अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सिद्ध में होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि उस दिन समुद्र में शक्तिशाली लहरें बनती हैं। इसे उच्च ज्वार कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य से 2.6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में धरती से 300 गुना ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए चंद्रमा के समुद्रों में ज्वार बनाने की क्षमता सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। अब जरा सोचिए कि हमारी धरती से इतना दूर रहते हुए चंद्रमा समुद्रों में इतनी शक्तिशाली ज्वार का निर्माण कर सकता है, तो अगर वहाँ पास आ जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोरों वाले युग में जब चंद्रमा आज की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत करीब हुआ करता था, तो उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे की नहीं जबकि 30 घंटे का हुआ करता था, और वही कुछ एक अरब साल पहले केवल 4 से 5 घंटे का ही एक दिन हुआ करता था। हम इमेजिन करें कि चंद्रमा अपनी दूरी से 20 गुना नज़दीक पृथ्वी के निकट आ गई है, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 400 गुना अधिक बढ़ जाएगी। ये समुद्र के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आ जाएगी। मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे पांच शहर पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे। पर बात करें धरती की, तो वह अपने अक्ष पर चलने वाली दिशा से भटक गई है, जिस कारण मौसम बदलना शुरू हो गई है। हमारे दिन छोटे होते जा रहे हैं और तापमान बढ़ती जा रही है। धरती पर जीवन खत्म होना शुरू हो गई है। सुनामी से लेकर मौसम के आगे इंसान कमजोर होता जा रहा है। धरती की एक बड़ी हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूब गई है। यहाँ के कुछ हिस्से के लोग भी चंद्रमा को पूरी तरह से देख पा रहे हैं, और यही हाल धरती की हमेशा रहने वाली है। 2000 years later. चंद्रमा पृथ्वी से अब दूर जाने लगा है, जिससे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। परंतु अब तक बहुत सी तबाही मच चुकी है, बहुत से जीव का विनाश हो चुका है, बहुत से जीवन विलुप्त हो गए हैं। जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में खुद को ढाल पाए वही जीवित हैं। अब चांद अपनी जगह पर चला गया है, और उधर धरती पर एक नई सवेरा हुई है, एक नई जीवन की शुरुआत हुई है। पर दोस्तों, वास्तविकता यह है कि चंद्रमा कभी पृथ्वी के निकट नहीं आएगा। एक स्टडी के मुताबिक वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है, ना कि उसके नज़दीक आ रहा है।